जयपुर के कांग्रेस विधायक श्रीमान रफीक खान पिछले कई सालों से जयपुर को दंगे की आग में झोंकने में लगे हुए हैं। उनके लिए जिन्ना एक बड़े नेता हैं और वे जयपुर का जिन्ना बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल हेरिटेज नगर निगम के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहित दो विधायकों ने जो बातें रखी उनका कांग्रेस और भाजपा दोनों के पार्षदों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला गया जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आता हो, जो भड़काऊ हो, जो जयपुर के विकास को कमजोर करने वाला हो। और उस समय आप सब जो लोग वहां मौजूद थे, नगर निगम में शांति हो चुकी थी। इसके बाद अचानक तीन कांग्रेस विधायकों ने वहां प्रवेश किया एक साथ, जिसमें श्री रफीक खान, श्री अमीन कागजी और आमेर के विधायक प्रशांत शर्मा। एक साथ तीनों का आना ऐसी जगह जहां पर ट्रैफिक की स्थिति उस समय अनुकूल नहीं होती, वह किसी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता जो उन्होंने व्यक्तिगत लगाए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो जिसको काठ की हांडी कहते हैं वो लोकतंत्र के अंदर भारत का एक नागरिक भी है, विधानसभा का सदस्य होने के साथ साथ। वो मुझे काठ की हांडी कह करके भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। सीधा सा विषय ये है जो सब ने देखा है। उन्होंने कहा कि हटवाड़ा नहीं हटेगा। क्या हटवाड़ा इसलिए नहीं हटेगा कि उसकी वसूली करने का काम वो करते हैं? उन्होंने कहा कि 300 गज की रिहायशी जमीन के ऊपर और 100 गज की व्यावसायिक जमीन के ऊपर कोई भी जाएगा नहीं। और उन्होंने अंगुली कर करके कहा, आप सब ने देखा होगा कि किसी को दुर्गति करवानी होगी वो जाएगा और उस दुर्गति के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यह कौन सी भाषा है? क्या यह लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था से जुड़ी हुई भाषा है कि खुलेआम धमकी है? हम सब लोगों में से किसी से छिपा हुआ नहीं कि हम कोविड के अंदर पूरे देश के लोग डरे हुए अपना जीवन बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय 15,000 लोगों को लेकर के ये श्रीमान विधायक रफीक खान सड़कों पर निकले हुए थे, जिसके कारण इनके ऊपर केस दर्ज हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इनकी सरकार उस समय थी। इससे बड़ी क्या घटना हो सकती है कि सारी दुनिया दहली हुई है और आप उसको सड़क के ऊपर उतारे हुए हैं? श्री रफीक खान ने इतना भ्रष्टाचार किया है जयपुर में व्यक्तिगत रूप से, सबसे पहले उनके ऊपर जाए तो अवैध कॉलोनियां काटने से संबंधित खबरें छप चुकी हैं जिसके पीछे ये खुद हैं। हम लोग देखें इनके विधानसभा क्षेत्र में जहां ये 5.25 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5.5 साल होने जा रहे हैं, वहां पर ईदगाह के सामने, दिल्ली रोड, रामगंज, खोड़े के हनुमान जी के सामने का हिस्सा, मोती डूंगरी रोड,
पूरा घाट गेट, क्या इसमें कोई महिला प्रवेश कर सकती है? क्या रफीक खान ने बनाया है 6 साल के अंदर, 5.25 साल में चुनने के बाद में? अतिक्रमण की भरमार है, कोई गाड़ी दिन में नहीं निकल सकती। और ये कह रहे हम जयपुर को सुधारने का काम करेंगे, क्या ये जयपुर को सुधारना है? क्या हम लोग इस बात को भूल जाएं कि घाट गेट के ऊपर 1 लाख हिंदू शांति से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, और उसके महंत को इन्हीं दोनों विधायकों ने, श्री रफीक खान और अमीन कागजी, रात भर थाने पर बैठाए रखा। क्या किसी मौलाना को बैठाया जा सकता है थाने पर? हम हिंदू ही समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि अगर उसका अपराध है कोई, तो आप चाहे उनको जेल में भर दीजिए, जेल में डाल दीजिए, कोई भी धारा लगा दीजिए, लेकिन घाट अपने सांगानेरी गेट के हनुमान जी के महंत का, जो 70 वर्ष का है, जो केवल वहां बैठे हुए थे अपने मंदिर में प्रसाद बांट रहे थे, उसको थाने पर बुला करके रात भर बैठाना, ये करने वाला कौन है? जयपुर के अंदर एक हमारे होकर भाई को तलवारों से काटा गया, उसके विरोध में जो लोग जुटे उनके ऊपर पुलिस के घोड़े दौड़ाने का काम किसके कारण हुआ? उनका नाम है रफीक खान। एक आपसी विवाद के अंदर, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखा गया, जिसके अगल बगल के लोग, एक तो पुजारी परिवार, भारद्वाज परिवार, और एक मेहरा परिवार, जो उस मौके पर उपस्थित थे, वो कह रहे थे कि जिनका व्यक्ति मरा है वही लोग हथियार लेकर के आए थे गंगापोल के मामले के अंदर, उसको 50 लाख का मुआवजा दिलवाने वाला कौन था? क्या ये खबरें नहीं छपी है? 24 घंटे भी नहीं हुए, और दूसरी तरफ उस हाकोर को आज तक 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। यह जो 20 अप्रैल 2023 को अहिंसा नगर निवासी संजय पांडे की हत्या हुई, उस हत्या के अंदर जिन व्यक्ति का नाम आया उसको संरक्षण श्री रफीक खान का था, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। क्या यह किसी को बताने की जरूरत है कि जयपुर के अंदर एक वर्ग के लोगों को हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, एक वर्ग के लोगों को कानून मानने की जरूरत नहीं है? एक वर्ग के लोग जहां पर हैं वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू शांत हैं, इसलिए शांत हैं कि वो भारत माता के पुजारी हैं और लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। और जो मुसलमान भाई लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और भारत में विश्वास करते हैं, उनका सारे हिंदू सिर झुकाकर सम्मान करते हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, अब्दुल हमीद हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो। जब कभी मौका आया है, और ये कोई, ये अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हो रहा है, मैं घटना बताना चाहता हूं 1939 की, कि जयपुर के अंदर जो जोहरी बाजार के अंदर मस्जिद बनी हुई है, उसका दरवाजा बिना सरकार से पूछे, वो दुकान के ऊपर हुआ करती थी, उसको आम सड़क से जोड़ दिया गया। तब जयपुर महाराजा के आदेश से गोलियां चलवानी पड़ी और उसमें अनेक संप्रदाय विशेष के लोग मारे गए। उन्होंने सामूहिक बहिष्कार करके जयपुर का, काले झंडे लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हुए। बाद में जयपुर के महाराजा और उनके लोगों ने समझाया कि हमारे निशाने पर कभी मुसलमान नहीं है, वो तो हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का सरगना बन करके रफीक खान जयपुर में अपनी सीट को मजबूत करना चाहते हैं, अगर अमीन कागजी 20-20 हजार वोट जोड़ करके वहां के वोटों का समीकरण बिगाड़ना चाहते हैं, लोगों का पलायन करना चाहते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र के अंदर उचित है?
क्या इस चीज को स्वीकार कर लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति के लिए रामगंज सुरक्षित ही नहीं है, कोई उधर से जा ही नहीं सकता। दिल्ली रोड के ऊपर किलोमीटर्स के अंदर अवैध कॉलोनियां बनी हुई है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है, कौन उसको संरक्षण दे रहा है? दो बार से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, सारा जयपुर जानता है कि इनको टिकट कैसे मिली थी, कैसे अचानक नाम आया इनका, कौन सी वो ताकत है, इनके परिवार का कौन सा व्यवसाय रहा हुआ है। राजस्थान के अंदर नशे के व्यापार से जुड़े परिवार का व्यक्ति आज उपदेश दे रहा है, कल उन्होंने कौन सी बातें कही? बोले ये पत्रकारिता से जुड़े हुए नए नए हैं। पत्रकारिता से कब से जुड़े हुए हैं? जब से आपको राजनीति का क ख घ नहीं आता था। हम लोगों ने 12-12 घंटे बैठ करके विधानसभा की कवरेज की हुई है तीसियों वर्षों से। राजस्थान का के विकास के लिए जितना परिश्रम इस शरीर से हो सकता था उतना करने की कोशिश की है। हम लोग तो चाहते हैं एक ऐसा खुशहाल जयपुर बने जो दुनिया भर के अंदर जाना जाए, लेकिन तकलीफ कब होती है कि हेरिटेज की सिटी, यह जयपुर की चार दीवारी का शहर अंदर से खोखला होता जा रहा है। अगर दिन के अंदर आप दौरा कीजिए तो आपको जगह जगह दरारें मिलेगी, घरों के अंदर घुस नहीं सकते, अतिक्रमण की भरमार कौन कर रहा है, किससे छिपा हुआ है कि भट्टा बस्ती के अंदर जयपुर के अपराधी जो बाहर के अपराधी हैं वो छिपे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। 10-10 हजार लोग खड़े होकर के वहां पर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। हमको आप अपने मजहब के हिसाब से किसी भी उपासना पद्धति को माने, इस पर हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपने अगर यह तय कर लिया कि हमको इस तरह की व्यवस्था कायम करनी है जिसमें गोविंद देव जी लोग नहीं जा सके, आप ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि सुभाष चौक के ऊपर सुभाष चंद्र बोस को माला नहीं पहना सके, आप इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं कि हिंदू जब अजमेर जाता है तो वो सोचता है कि मैं पुष्कर जाऊं तो ख्वाजा साहब के भी दर्शन करके आऊं। यह संस्कृति है हमारे देश की, सबसे पहले मस्जिदें विश्व के अंदर बनी है उसमें भारत शामिल है, हमारी अनुमति से बनी है, उस समय के प्रशासन की अनुमति से बनी है। इनसे कोई पूछे क्या कभी गए हैं केदारनाथ, क्या कभी गए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, बता दें कितनी सीढ़ियां हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर। तो ये जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वह गंगा जमुनी तहजीब किसने पैदा की? क्या इन्होंने पैदा की? कभी गंगा स्नान किया है? बता दें कि हमने गंगा स्नान किया, इनके लिए तो पाप है वो। तो मजहब के आधार पर जयपुर को नहीं चलाया जा सकता, मजहब के आधार के ऊपर जयपुर को नहीं चलाया जा सकता। संविधान के अंदर सेक्युलर स्टेट की व्यवस्था है और वह सेक्युलर स्टेट किसी भी तरह के मजहबी राष्ट्र के खिलाफ है। हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम हिंदू को कोई मजहब नहीं मानते, हम हिंदू को जीवन पद्धति का मानते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी है। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, लेकिन जो संप्रदाय है वो जीवन पद्धति नहीं है। ये उस जीवन पद्धति को जयपुर के ऊपर लागू करना चाहते हैं। आप देखिए चौपड़ के ऊपर एक मंदिर के ऊपर मकबरा बना रखा है, क्या हो सकता है? मंदिर के ऊपर मकबरा संभव है? कितनी सहनशीलता देखना चाहते हैं, कितनी सहनशीलता देखना चाहते हैं। जगह जगह आपकी गलियों के अंदर, और कितना अपराध कर रहे हैं आप मुस्लिम समाज के साथ भी, आंकड़े उठा करके देख लिए जाए। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बच्चों की ड्रॉप आउट रेट है वो मुस्लिम बच्चियों की है। अपने समाज के अंदर
आप बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते, आप उनको वोट बैंक रख करके चलना चाहते हैं। मेरे को बताएं ये कांग्रेस के विधायक किन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर ये कॉलेज बनाई है, ये बताएं कि हमने अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह शिक्षा का प्रसार किया कि हमारे बच्चे टॉपर निकले, हमारे बच्चे आईएएस बन गए, हमारे बच्चे आरएएस आरपीएस बन गए। आपको तो उससे मतलब ही नहीं है। महिलाओं के साथ क्या स्थिति है? आप कह रहे हैं कि जून की भीषण गर्मी के अंदर पूरे शरीर को ढक करके निकलो, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है ये। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी भी तरह से भड़काना नहीं है। मैंने कल भी जब व्यवधान हो रहा था तो मैंने रफीक खान जी को आग्रह किया कि आप अपने लोगों को संभालिए, ये सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। मैंने यही कहा कि आप अपने लोगों को संभालिए और विवाद को शांत करके कोशिश इस बात की हम करें कि नगर निगम की कार्रवाई बेहतरीन ढंग से चले। आपको ध्यान हो रफीक खान जी ने अपना भाषण दोबारा इसी बात से शुरू किया था कि गोपाल शर्मा ने मेरे से कहा कि आप स्थिति को संभालो, हम स्थिति को संभालने में विश्वास रखते हैं, वो स्थिति को बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं। यह दोनों का फर्क है। ऐसे समय जबकि लोकसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है रफीक खान जी से, अमीन कागजी जी से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि जयपुर को दंगे की आग में मत झोंकिए। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सिर्फ आप होंगे, आपके अलावा कोई नहीं होगा। करौली के अंदर दंगे, जोधपुर के अंदर दंगे, और दंगा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। किन मीडिया के लोगों से छिपा हुआ है कि जोधपुर में अफसरों को भेजा गया है कि कार्रवाई मत होने दो? किससे छिपा हुआ है? सब लोग इस बात को जानते हैं, सब लोग इस बात को। हाँ पूछिए। नमस्कार सर, वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो राजस्थान में आपकी सरकार जांच कर रहे हैं, दूसरा जो आप जो कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, ये सस्ती लोकतंत्र शासन करने के लिए गोपाल जी का स्टंट। ये सस्ती है कि किसी को 50 लाख का मुआवजा दे दिया जाए और किसी को 1 रुपया नहीं दिया जाए? ये सस्ती है। जो उदयपुर के अंदर गला काट दिया गया उसके कितने दिन बाद पहुंची सरकार वहां पर, ये सस्ती है? सस्ता किसको मानते हैं? क्या शहर के अंदर जिस तरह से अवैध मीट की दुकानें चल रही है, लोगों की उन भावनाओं के ऊपर कितनी ठेस पहुंचती है जो शाकाहारी हैं बिना लाइसेंस के? आपके मोहल्लों के अंदर से किसी को आप निकलने नहीं देना चाहते जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? क्या ये सस्ती लोकप्रियता है? मैं पूछना चाहता हूं, किसी भी सभ्य परिवार, किसी भी सामान्य परिवार की कोई लड़की को क्या कहा जा सकता है कि रामगंज चली जाओ शाम के बाद में? ये सस्ती लोकप्रियता है। जयपुर का जिन्ना बनने की कोशिश, वो अपना नाम बदल करके जिन्ना रख सकते हैं साथ में, लेकिन जिन्ना बनने की कोशिश स्वीकार नहीं होगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, मैं किसी भी जनता के व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या जयपुर में नहीं है? क्या कभी आवाज उठाई है इन्होंने? मैंने देखा है सामने, मैंने अपने यहां पर सारे जयपुर के मुस्लिम नेताओं को बुलाया और उनसे पूछा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, क्या आप एक जुलूस नहीं निकाल सकते? ये कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से मतलब नहीं है। जयपुर की मीडिया ने क्या आज तक देखा है कभी कि कोई भी विषय, अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के अंदर कितनी यातनाएं दी गई? क्या रफीक खान ने बयान दिया? रफीक खान ने बयान दिया कभी? क्या अमीन कागजी ने बयान दिया? मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब परमाणु परीक्षण पोकरण के अंदर हुए, इसमें हुए अपने,
कांग्रेस ने 24 घंटे बाद कहा कि हमको भी खुशी है। 24 घंटे तक आपको होश ही नहीं, आप कह रहे हैं कि सस्ती स्टंट बता रहे हैं इसको, ये स्टंट है, आप जनता के जीवन के ऊपर खेल रहे हैं और आप इसको स्टंट बता रहे हैं। आपके लिए स्टंट हो सकता है क्योंकि आप खट से काट सकते हैं किसी को, हम नहीं काट सकते। हम लोग मानते हैं हिंसा परमो धर्म, ये मानते हैं हिंसा परमो धर्म, करके दिखा दें। है क्यों नहीं? वो जो 15,000 लोगों की कोविड के अंदर जुलूस निकाली, उसके अंदर केस दर्ज है। उनकी सरकार अगर गिरफ्तार नहीं करे, आप एक 2.5 महीने के बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि सब कुछ कर लो, और आपका सारा जो पाप है इतने बरसों तक किया हुआ उसको धो दो, ये कैसे संभव है? आप यह सोच करके देखिए कि जयपुर की जनता क्या खुशहाली का जीवन जी रही है। आप जाकर के देखिए हेरिटेज के बाजार के अंदर लोग बरसों से दुकानें लगा करके बैठे हैं, आपको ग्राहक नहीं दिखाई देंगे। ग्राहक केवल कहां दिखाई देंगे? जो परचूनी की दुकान, जो फल की दुकान। लोग कैसे आए इस माहौल में, कैसे काम करें अपना? आप कहीं भी इकट्ठे होकर के, अभी कुछ ही दिनों पहले की आपसे बात बता रहा हूं, हसनपुरा क्षेत्र के अंदर एक घर में घुस करके महिलाओं और पुरुष के ऊपर 5-7 उपद्रवियों ने चाकू से हमला किया। रात को 10 बजे की बात है, सुबह उसी समय उनकी गिरफ्तारी हुई, सरकार सक्रिय थी। और उसके बावजूद जब मैं उस क्षेत्र में गया तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा, मैं आपको क्लिपिंग दिखा सकता हूं, मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि भाइयों, ये अपने सबका जयपुर है, आप भी कानून से रहिए, हम भी कानून से रहें, न अन्याय करिए न अपने ऊपर अन्याय होने दीजिए। लेकिन क्या ये चीज सहन हो, आप कहीं भी सड़क के ऊपर घुस करके, और हम महाराजा मान सिंह जी के समय की बात नहीं कर रहे, कोई भी मंदिर बता दीजिए जो कि सड़क के ऊपर बना हुआ हो, कोई भी मंदिर बना दीजिए, और आप खुद देख लीजिए जगह जगह पहले वो डंडा लगाएंगे, फिर हरा कपड़ा लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, कौन है? ये मुसलमान नहीं है, ये जयपुर का माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से आए हुए षड्यंत्रकारी हैं, जिनको सरगना के रूप में रफीक खान, अमीन कागजी जैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या राजस्थान में कहीं पे भी, या फिर जयपुर की बात करो, क्या कोई दंगा हो सकता है, सकती है? अगर ये इसी तरह की कोशिश करेंगे तो इनकी क्या कोशिश है ये? आप लोग ये देख लीजिए कि जब किसी क्षेत्र के अंदर कोई भी आदमी चुनाव के दौरान जा सकता है, अपनी सभा कर सकता है, आप लोगों ने कभी कोई सभा कवर की है जो कि विशुद्ध रूप से जिन नेताओं के मैं नाम ले रहा हूं इनके क्षेत्रों के अंदर की गई हो? कोई सभा होती है? तो क्या इस देश के अंदर सभा केवल वहां होगी जहां हिंदू रहेंगे, और जहां ये लोग रहेंगे वहां सभा नहीं होगी? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप यह देखिए, आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो मैं अभी चुनाव जीतने के बाद देख रहा हूं। अनेक परिवारों ने वहां से अपने घर छोड़ करके और किराए के ऊपर रह रहे हैं क्योंकि वहां पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। कौन है ड्रग्स का कारोबार करने वाले? स्मेक का कारोबार करने वाले कौन हैं? उनको संरक्षण है श्रीमान रफीक खान का। मैं ये चुनौती देकर के कहता हूं कि दिल्ली रोड के ऊपर 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जवान लोगों की। मैं जाकर आया, लोगों ने जुलूस निकाला है। अब जयपुर के ड्रग्स कारोबार का संरक्षण, शराब कारोबार का संरक्षण, अतिक्रमण का संरक्षण, और खुलेआम ये कहना कि कोई भी चला गया उस क्षेत्र में
तो उसकी दुर्गति होगी। मैं जिन शब्दों में कह रहा हूं उससे ज्यादा कटु शब्दों में उन्होंने कहा है, हाथ करते हुए, आंख निकालते हुए। जिन्ना का स्वरूप यही तो था, और क्या था? तो वैसे सरकार विफल है क्या? हाँ, सरकार विफल है क्या? विफल क्यों है? सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी ना। मैंने कहा ना, 2.5 महीने के बच्चे से आप कितनी उम्मीद रखते हैं। सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। सरकार सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रही है, राजस्थान को मजबूत करने का काम कर रही है। अपने ईस्टर्न राजस्थान का समझौता हुआ है, यमुना का समझौता हुआ है। केवल राजस्थान का विकास केवल इससे संभव है। हम लोग ऐसे जयपुर की कल्पना करते हैं। मेरी बात हुई है अफसरों से, मैंने इनको बताया है कि शहर के अंदर जो पेड़ हैं उसके लिए आप गूगल पर सर्च करिए, पेरिस में हिल्टन होटल से लेकर के जब एफिल टावर जाते हैं तो वहां पेड़ों के चारों तरफ किस तरह नट बोल्ट लगा करके पानी की सिंचाई होती है, उसकी कल्पना करिए आप। मिनी पाकिस्तान, उस पर भी आ जाए। नहीं, मेरे पर हमला नहीं किया, वो आक्रामक थे। वो अगर भारत भक्त होते तो कहते आप सही कह रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं, जयपुर को हम मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये जो कागज की बात है ये कौन कह रहा है? जिसने जीवन में कभी सच नहीं बोला, जिनका बोलना ही झूठ की गारंटी हो, करे कागज, कौन सा कागज? वो कह रहे हैं कि 82 लोगों के हस्ताक्षर हैं, करके बता दें। और हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि कोई कांग्रेस की मेयर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रफीक खान, अमीन कागजी और प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछ करके चलेगी क्या? वो कह रहे हैं हमारे पास में इस मेयर को हटाने का, हम सब एक हैं। बनाया क्यों था? हमने बनाया था, आपकी सरकार थी। भ्रष्टाचार के समय पकड़े कौन लोग गए थे? चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद भी आपके पार्षद पकड़े गए हैं, किसने रोका? मुनेश गुजर जी हमारी पसंद हैं क्या? मतलब हमारी पांचों अंगुलियां घी में रहे और जनता का सिर कड़ाई में रहे, ये कैसे होगा? क्या मेयर के भ्रष्टाचार अकेले से जुड़े हुए हैं? क्या इनके, इन्होंने गुड़ के मुंह नहीं मारा? कौन नहीं जानता इस बात को? पहले तो आपने चीटे भी नहीं लगने दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह चाहती है कि जनता की इच्छा के अनुरूप निगम चले। लोकसभा चुनाव के बाद इस विषय के ऊपर विचार होगा, क्योंकि अभी तो 5-4 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, नोटिस ही नहीं दिया जा सकता। और वो जो कागज वाली बात फिर मैं दोहरा के कहता हूं, कहीं कागजों से इस्तीफे होते हैं या हटता है? किसने रोका था आपको? राष्ट्रगान को रोकने का देशद्रोहपूर्ण कारनामा करने की बजाय आप 1 मिनट बाद वहां धरने पर बैठ जाते, किसने रोका था आपको? आप बताइए, आप लोगों ने देखा है क्या? जो ही मामला थोड़ा सा इधर उधर होता दिखाई दिया, निकल गए। हम लोग तो वहीं थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। नहीं, इसमें देखिए क्या अपन ये चाहते हैं। मैंने वो शासन देखा हुआ है जबकि ACD से मुख्यमंत्री भी बात करने को अपराध मानते थे। मैंने भैरव सिंह जी का शासन देखा हुआ है, वो मानते थे कि ACD हमारे अंदर में नहीं है, वो संप्रभु है, वो जो भी कार्रवाई करे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ACD के काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। अब क्या भारतीय जनता पार्टी उस केस के अंदर घुसे कि वो अपराधी हैं कि नहीं है, ये साबित होगा ACD की जांच से। और ACD की जांच की जो रिपोर्ट आएगी वो सबके लिए खुली है, कोई भी जा सकता है कोर्ट के अंदर। सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर, अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस अपनाया हुआ है। अभी देखिए, जिस 26 साल की युवती को गड़ासे से काटा गया, गोली मारी गई,
वो परिवार कह रहा है कि 5 साल से इन लोगों को बचाने का काम कांग्रेस का पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव कर रहा है, क्या हम नहीं बोले इस बात को? उसके साथ सामूहिक रेप हुआ, 5 साल से लगातार वीडियो के आधार के ऊपर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आदरणीय अशोक गहलोत जी उस दिन आए थे तो यही कह रहे थे, बोले हमारे शासन में होता था तो गलत था, अरब होने लग गया तो सही हो गया, सही नहीं हो गया। आपके लोगों को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, पकड़े जाएंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। अपराधी जब चोरी करके भागता है, हत्या करके भागता है, डाका डाल के भागता है, तो वो जो भी रास्ता होता है उसको अपनाने की कोशिश करता है। ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये सब ठिकाने लगेंगे, सब ठिकाने लगेंगे। किसके सगे हैं? राहुल गांधी को ये नेता मानने को तैयार नहीं, सोनिया गांधी जी की स्थिति ये कर दी कि वो कहीं से चुनाव लड़ने की स्थिति के अंदर नहीं। आज दिल्ली वाले चिट्ठी भेजना चाहें तो डोटासरा जी के यहाँ कोई जाता नहीं, अशोक जी को कोई पूछता नहीं, सचिन पायलट का अता पता नहीं। तो जब चिट्ठी भेजने तक की गुंजाइश नहीं है जहां पर, आप लोगों ने सदन के अंदर देखा होगा इनके कारनामे, जब जरूरत होती है तो शांत हो जाते हैं, जब जरूरत होती है तो बोलने लग जाते हैं। क्या सौदेबाजी करना चाहते हैं आप इन्हीं सब चीजों के लिए जो आप कर रहे हैं? लेकिन मीडिया भाइयों से, पत्रकार भाइयों से, चैनल्स वालों से मेरा निवेदन है कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जयपुर का नाम लिया जाता है, और जयपुर को अशांत बनाने के अंदर जो भूमिका निभाई जा रही है उसके खिलाफ हमसे जो हो सके वो हमको करना चाहिए। कम से कम विदेशी शक्तियां नाम बदल करके, काम बदल करके, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और यह हमेशा कोशिश हुई है। आपको मैं बताऊं कि सिख उग्रवाद के दौरान उनमें जब तरह तरह की बातें उठी, सिख उग्रवाद का अर्थ यह नहीं है कि सिख उग्रवादी, उनमें से कुछ लोगों ने कनाडा के इशारे पर षड्यंत्र रचा, तो देश के सबसे बड़े माने जाने वाले दोनों उग्रवादियों को, नवनीत सिंह कादिया को जयपुर में और अवतार सिंह ब्रह्मा को गंगानगर के अंदर, मौत के घाट उतारने का काम राजस्थान की पुलिस ने किया क्योंकि सरकार मजबूती से खड़ी थी। तो इन अपराधियों को अपने रास्ते पर जाना होगा। ये जो कभी कभी त्योहारों पर टोपी जिन्ना टाइप पहन करके अपने को जिन्ना बताने की कोशिश करते हैं, टोपियां कितनी ही बदलिए लेकिन नियत साफ रखिए। जिस देश की आप रोटी खाते हैं उसके साथ ऐसा मत कीजिए।